माँ बोली जे भुल जाऊंगे कखा वांगू रुल जाऊंगे। मनुखी इतिहास विच ओ दिन किड्डा सुपागा होवेगा जिस दिन दुनिया ते पहले बंदे ने माँ लफ्ज उचारिया होवेगा। बंदे दी सब तो नेड़ली सकीरी माँ नाल है, असल विच ओ माँ दा ही एक अंग है। माँ अपने खून नाल ओदी रचना करती है ते दुध नाल पाल पोस के ओनू बोलना सिखाउंदी है। माँ नाल एडी गुड़ी नातेदारी करके ही मनुख ने बोली नाल माँ दा रिश्ता जोड़िया। जे एक माँ जन्म दे के मनुख नू धरती ते लियाउंदी है ता दूजी माँ ओनू जिंदगी जीउण दे अर्थ दसदी है, आले दुआले नू समझण विच ओदी मदद करदी है। सचमुच जे किसे कोलों ओदी जुबान खो लई जावे ता शायद मनुख मनुख ही ना रहे, ओ जींदी जागदी लोथ बन जावे। अज मनुख सत समुंदर पार दी बोली नू अपनी सकी माँ समझदे ने। ओ माँ दे दुध दा सब तो वड्डा निरादर है। गुलाम मानसिकता ना दी बीमारी दा शिकार ए साडे रहबर सारे अवाम नू छूत दी ए बीमारी लौनी चाहुंदे हन। चंगे भले लोक बाबे नानक दी जय जयकार तां करदे ने पर बाबे नानक दी सुनदे नहीं। जदों उन्हां कहा सी बोली अवर तुम्हारी, बाबा फरीद ने माँ दा दुध दा कर्ज चुकाया जदों उन्हां अपनी जद्दी बोली अरबी फारसी छड्ड के माँ बोली विच अपना सुनेहा दित्ता। ए गल उन्हां नू अज तो 8 सदियां पहला समझ आ गई सी, पर असा अकल दे अन्यां नू अज तक समझ नहीं आई कि माँ बोली तो मुख मोड़ना आत्मघात करन दे तुल है। बड़ी पहला प्रिंसिपल तेजा सिंह होरां लिखिया सी, हर बोली दी अपनी आत्मा हुंदी है, आपो अपनी तबीयत हुंदी है। इस आत्मा दे अनुकूल आले दुआले विचों ओदा शरीर उसरदा है। ओ आत्मा अते तबीयत उस कौम दे आचरण दे अनुकूल हुंदी है। सानू लोड़ है अपनी माँ बोली नू सांभण दी तां जो साडी होंद बची रह सके। असी अपने आप नू पंजाबी कहाउण विच तां माण महसूस करदे हां, पर फिर सानू पंजाबी बोलण विच कादी शर्म। आओ इस मिठी अते प्यारी माँ बोली दी सांभ करिए।